एक सपना है ठंड में शिमला जाने का। सुना है वहाँ ठंड में बहुत बर्फ होती है। बहुत बचकाना सपना है ना। सपना ही क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बचकानी है। यही तो होता आ रहा है मेरे साथ। जो आता है वो बस कुचल कर चले जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं हर वार का पलटवार करूंगी, हर बात का हिसाब होगा, जैसे को तैसा मिलेगा। लेकिन बचपन हमारी यादों का वो पन्ना है जिस पर लिखा हर किस्सा आसानी से नहीं मिटता। और जब बचपन का कोरा कागज अपराध की स्याही से रंग दिया जाता है तो जिंदगी का हर रंग उस अतीत में धूमिल हो जाता है। 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में आज इस केस पर अपनी राय रखेंगे जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे अनदेखे और अनसुने केसेस तो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। कहा जाता है कि हमारा रुपया पैसा चुराया जा सकता है, लेकिन क्या कोई हमारी हेल्थ चुरा सकता है? शायद चुरा सकता है, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन क्रिमिनल्स अपनी पे उतर आए तो कुछ भी हो सकता है। ये केस हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये केस हर उम्र के लोगों को जानना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा हटके केस है जिसने मुझे भी अचरज में डाल दिया था। अरे कोई है क्या? अरे लड़की बेहोश हो रही है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ इसको? पीछे हटिए, पीछे हटिए सर। ये पीछे, ये बच्ची। बेटा आप ठीक तो हो ना? आपका घर कहाँ पे है? बोलिए ना, आपका घर कहाँ पे है? क्या हुआ, आप कहाँ रहती, कहाँ पे हो? अरे सुनो बेटा, अरे सर, सर यही बच्ची है जिसके पास इतने सारे पैसे मिले, लगभग 12 लाख रुपए। टिफिन में लेके अकेले घूम रही थी और बता भी नहीं रही कि इतने पैसे आए कहाँ से। बेटा नाम क्या है तुम्हारा और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? देखो डरो मत। लड़कियों मैं अंकल, महिला पुलिस नहीं आपके टीम में? आइए। एक लड़की मिली, छोटी बच्ची है, पैसे मिले बहुत सारे, बता नहीं रही किसके पास। लो बेटा, आपको महिला पुलिस आई है देना। महिला पुलिस आ गई, बात करो इनसे। सर उसे वॉशरूम जाना है। ठीक है ले जाओ। आइए मेरे साथ। ये नोट के हर बंडल पे अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हैं, एसटी जीपी केएस, कहीं कोई कोर्ट तो नहीं है सर? हाँ बेटा, अब ये बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो सर में सब पापी पेट का सवाल है। पापी पेट? क्या पापी पेट? सर जो पूछ रहे उसका सीधा सीधा जवाब दो। कल से कुछ नहीं खाया ना, फिर मैंने घर के सामने टिफिन का डब्बा देखा तो मैं उसे उठाकर भाग गई। मुझे थोड़ा ना पता था कि इसमें इतने सारे पैसे हो गए। टिफिन का डिब्बा तुम्हें किस घर के आगे मिला था बता सकती हो?
वो उस गली के वहां। ठीक है, आंटी के साथ जाओ और उनको वो कर दिखाओ। जाओ, साथ में जाओ। राजेश तुम भी जाओ। सर, कौन सा घर था वो जहां से आपको वो टिफिन मिला था? बेटा रंग तो याद होगा ना आपको? रंग? हाँ, नीला। नीला? नीला? नहीं 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 नहीं, पीला। पीला? अच्छा, पीला? नहीं नहीं नहीं, रंग हाँ वो काले का। बेटा क्या नीला पीला काला कर रही हो? सच में वो टिफिन तुमने किसी के घर के बाहर से उठाया था या झूठ बोल रही हो? नहीं आंटी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी बोलूंगी। जुबान तो बहुत चलती है। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मतलब एज 22 साल। 22 साल? बेटा इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम 22 साल की हो। यानी ये भी पक्का है कि वो टिफिन तुम्हें किसी के घर के बाहर से नहीं मिला था? नहीं आंटी, वो टिफिन मैंने घर के बाहर से ही लिया था। पता नहीं वो घर कहाँ गायब हो गया। अच्छा, घर गायब हो गया? या तुम हमें घुमा रही हो? मैं आप लोगों को नहीं घुमा रही हूँ। तुम तो मेरे सर है आंटी। कुछ नहीं गाय, बहुत भूख लगी है। गुप्ता ध्यान से, इम्पोर्टेड है कि रा भी रा मत देना। अच्छा मैडम, मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। शगुप्ता मैं पहले ही तुम्हें 2 महीने का एडवांस दे चुकी हूँ। पर मैडम मुझे थोड़े और पैसों की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरी तनख्वाह तुम्हारी जरूरतें पूरे नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हें दूसरा काम दिलवा दूँ, वहां तुम्हें रोज के 2000 मिल जाएंगे। रोज के 2000? मैडम इतने पैसों से तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर काम क्या है? एक सेकेंड बताती हूँ, तुम थोड़ा अपने बाल वाल ठीक करो, थोड़ा स्माइल। आया अंदर, कितने लकी मामा, ढूंढने गए थे खाना, मिल गए पैसे। पेट भर गया ना तुम्हारा? अब बताओ इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक काम करता है, हम उन पैसों का आधा आधा बांट लेते हैं, इसमें आपकी भी टेंशन खत्म और मेरी भी। बहुत चालाक बन रही हो। देखो जब तक तुम नहीं बताओगी कि ये पैसे तुम्हें देखो। ए, ए, लड़के, रुक, 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 पकड़ो उसको, सर चिल्लाएंगे। चलो बेटा उसको। बच्ची पिछले कई घंटों से हमें घुमा रही है। लेडी कांस्टेबल को ब्राइब ऑफर करके बोल रही थी कि पैसा आपस में बांट लेते हैं। दिखने में 12-13 साल की लग रही है लेकिन बोली कि उसकी उम्र 22 साल की है और बार बार भागने की कोशिश भी कर रही है। सर मुझे इस बच्ची के रंग ठीक नहीं लग रहे। सर मान लिया ये टिफिन उस लड़की को उस घर के बाहर मिला, तो फिर हो सकता है कि ये टिफिन उस घर वाले का हो या फिर किसी टिफिन सर्विस वाले ने घर के बाहर रखा हो। टिफिन सर्विस वाले पैसा कौन डिलीवर करेंगे? GPBH हो सकता है किसी किस्म का कोड, पर ये पैसा हवाला को। क्या ये भी हो सकता है ये पैसा एंटी सोशल एक्टिविटी में इस्तेमाल होना? हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। बच्चे इस वक्त कहाँ? बताओ बेटा कहाँ से आई हो? डरो मत, बोलो। वैशाली जी नमस्कार। कुछ बताया बच्ची ने अपने बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं बता रही, बस एक ही बात बोली जा रही, जिस घर से टिफिन उठाया था वो घड़ी वो भूल गई है। चलो कोई बात नहीं, बच्ची ये भूल गई होगी। पर बच्चा आपको अपना नाम तो याद होगा ना? क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल है, ये देखो आदिल खान। आप अपना नाम नहीं बताएंगे? मैम मैं नहीं हूँ। अब आप मुझे यहाँ से जाने देंगे?
हाँ बिल्कुल जाने देंगे, कहाँ जाना है आपको बताओ, घर कहाँ आपका? नहीं पता। अच्छा आपको अपने मम्मी पापा का नाम तो याद होगा, कहाँ रहते हैं वो आप हमें बताइए, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। अब इसको लेकर जाओ अंदर, शांत इसे कोई नहीं डांटे, जाओ जाओ। वैशाली जी इस बच्ची में सब कुछ ठीक नहीं है, बच्चे की फोर आर्म पे नीडल्स के निशान है, हो सकता है ऐसे कोई बीमारी हो और इसका इलाज चल रहा हो, इसका मेडिकल चेकअप करवाइए। जी सर। सर देखने में तो बच्ची अच्छे खानदान की लग रही है, लेकिन ये अपने घर परिवार के बारे में बता क्यों नहीं रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद बच्ची मिसिंग हुई हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि किसी वजह से ये बच्ची खुद ही फैमिली से भागी हो और ये पैसा इसकी फैमिली का हो सकता है। सारी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो और आसपास के स्कूलों में पता करो, शायद बच्ची के माँ बाप के बारे में कुछ पता चले। ओके सर। हेलो बच्चों की लाशें मिली है सर, बॉडी के निशान देख के लग रहा है ये काफी बुरी तरह से पीटा गया है, गले के निशान देख के लगता है कि किसी तेज धारदार चाकू से काटे गए, दोनों के गले काटे गए और दोनों की बॉडीज पे जितने जख्म हैं उस हिसाब से ग्राउंड पर काफी खून होना चाहिए, मतलब दोनों को पहले कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर बॉडी सिर्फ डंप की गई, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। का हैप्पी बर्थडे यार, जेब में यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है और तुम। अरे ये सब छोड़ो, ये सब क्या लेके आई? राशन, चलो अच्छा सा डिनर बनाते हैं। वर्तिका मैडम पैसा दे दी क्या तुमको? हाँ तभी तो ये सब लेके आ पाए हैं। लेकिन बहुत लेट हो गया, तुम ठीक आ? अरे बोलो ना कहाँ थी तुम? वर्तिका मैडम ने नया काम दिलवाया तो आज वहाँ पहला दिन था इसलिए लेट हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर ये फोन तो बहुत महंगा लग रहा है, मतलब वर्तिका मैडम इतना पैसा तो एडवांस नहीं दी होंगी तुमको? वो उन्होंने अलग से दिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके सैलरी से कटवा देंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते, आ जाओ। मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा भूख लगी होगी ना, फ्रूट्स खाओगी? अरे शर्माओ मत, ये बताओ ऑरेंज खाओगी एप्पल? एप्पल काट देती हो, वैसे तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। मैं ही बता देती हूँ, मेरा नाम डिम्पी है। आज मैं चुनमुन। चुनमुन? लेकिन पुलिस को तो तुमने अपना नाम मिनी बताया था। मैं मिनी हूँ, मेरे दो दो नाम है, मिनी भी और चुनमुन भी। सर उस बच्ची का मेडिकल करवाया, उसके ब्लड में सेडेटिव्स के ट्रेसेस मिले। सेडेटिव्स? जी सर, और बच्चे की बाजू पे सिरिंज के निशान थे, मतलब बच्ची को जबरदस्ती नशीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। अवस्थी उस बच्ची की शिनाख्त हुई? नहीं सर, उस बच्ची से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली है और ना ही स्कूल से ना ही हॉस्पिटल से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे पता चल सके कि मिनी के घर वाले कौन है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उस बच्ची का नाम मिनी है या कुछ और। चाइल्ड केयर से फोन आया, वो बता रहे हैं कि बच्ची बोल रही है कि उसका नाम चुनमन भी है। सर जिन दो बच्चों की लाश हमें मिली थी और क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी हमने चेक कर लिए, पर उनकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो जांच का दायरा बढ़ाओ। उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आज रात को या कल सुबह तक आ जाएगी।
ये लड़की इधर आ। भूख लगी है तो बेटा एक काम करो, इधर बर्तन रखे हैं ना, उनको धो दो, फिर मैं तुम्हें बिस्किट और ये ब्रेड खिलाऊंगा, ठीक है? जाओ। अरे बेटा, अरे तुमको तो बर्तन भी साफ करना नहीं आता, देखो मैं ना तुमको बढ़िया से धोना सिखा देता हूँ, ठीक है? क्या करते हैं, ये गिलास को इकट्ठा रखते हैं और बेटा ये ऐसा पकड़ते हैं, देखो इसमें पानी ऐसा मिला ना, ऐसे करते हैं। सर, ये उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई, किसी धारदार चीज से उन दोनों का गला काटा। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन? नहीं सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई भी साइन नहीं मिले, लेकिन सर चौंकाने वाली बात ये है कि इन दोनों बच्चों के ब्लड में भी उसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले जो हमें चुनमुन के ब्लड में मिले थे। तो हो सकता है ये दोनों बच्चे और चुनमुन आपस में कनेक्टेड हो, ये भी मुमकिन है कि चुनमुन इन दोनों बच्चों को जानती है। बोलो बच्चा, क्या आप इन दोनों बच्चों को जानते हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अच्छा बच्चा, हमें पता चला है कि आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, अपना हाथ दिखा। डरो मत, बोलो ये इंजेक्शन आपको क्यों लगाया जाता है, कौन लगा था? बोलो। बच्ची का चेहरा साफ बता रहा है कि उसे सेडेटिव जबरदस्ती दिए जा रहे हैं और ये बच्ची उन दोनों बच्चों को भी जानती है और अभी कुछ बता नहीं रही है। सर, बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है, समझ पाना मुश्किल है कि बच्ची को सेडेटिव दिए जाने का कनेक्शन उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर ये कोई अनाथ बच्ची है। और उसके कनेक्शन ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें उन दो बच्चों के कातिलों को एक लीड दे सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा चेक करो और इन बच्चों की तस्वीरें अखबारों में छपाओ। सर, इन तीनों बच्चों में से इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन मिली है सर। 2 साल पहले तक ये बच्चा अनाथालय में था, 2 साल पहले इसको अडॉप्ट किया गया, अनाथालय के रिकॉर्ड में इसका नाम अनमोल है। अडॉप्ट किसने किया? ये संजीव और स्नेहा गर्ग ने। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि जब मैंने इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए तो पता चला कि वो तो फर्जी हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स? जी हाँ सर। सवाल यह है कि इस कपल ने इस बच्चे को फर्जी डॉक्यूमेंट से क्यों अडॉप्ट किया और फिर 2 साल बाद इस बच्चे का मर्डर होता है, इस बच्ची के साथ आखिर ये सारा माजरा है क्या? माइनर बच्चों का मर्डर, 14 साल की चुनमुन से बरामद किए गए 12 लाख नोटों की गड्डियों पर लिखे कोड्स का राज, बच्चों का फेक एडॉप्शन, इस चाइल्ड केयर सेंटर में बड़े ही बेखौफी से किया गया चुनमुन का अपहरण, एक के बाद एक इस केस में कई नए राज, नए समीकरण नजर आ रहे हैं। इस केस को लेकर पुलिस कोई पुख्ता थियरी नहीं बना पा रही है, ये केस क्वेश्चन मार्क से भरता जा रहा है। लग रहा है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फुल स्टॉप सा लग गया है, पुलिस की मशक्कत जारी है, लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाना आसान नजर नहीं आ रहा। राकेश, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। राकेश, मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुका हूं।
राकेश, ये सब मैंने हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए किया है। मैंने आज तक अपने आप को किसी को भी छोड़ा नहीं। झूठ ना, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पास्ट क्या है और तुम्हारी हकीकत क्या। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। नहीं राकेश, राकेश मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश, प्लीज। सर, मैंने बच्चों के एडॉप्शन से जुड़ा पूरा डेटा निकाला। अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 साल में तकरीबन 85 बच्चों को अलग अलग अनाथालय और एनजीओ से एडॉप्ट किया गया। लेकिन सर, इन 85 बच्चों में से ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको अनमोल की तरह फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया गया। इस अनमोल के साथ जो बच्ची की लाश मिली थी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सर, एक काम की सीसीटीवी फुटेज मिली। चलो बेटा उठो, खाना खा लो। उठा उसको, ए बेटा उठ, खाना खा लो। चलो बेटा लो खाना खा लो, पानी लाओ। पानी लो। सर, ये सीसीटीवी फुटेज उसी रात की है जिस रात चुनमुन उन्नति चाइल्ड केयर सेंटर से गायब हुई थी। हो ना, ये दोनों वही हैं जिन्होंने चुनमुन को किडनैप किया है। सर, ये आदमी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जिसने अनमोल को फर्जी डॉक्यूमेंट से अडॉप्ट किया। तो मतलब अनमोल और चुनमुन आपस में कनेक्टेड है पक्का? किसी कपल ने इन 4 बच्चों को भी फर्जी डॉक्यूमेंट से अडॉप्ट किया था। तो मतलब मुमकिन है कि ये सारे बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं। दैट्स इट। ये कोई बड़ा गैंग हो सकता है सर? अगर ये कोई बड़ा गैंग है तो इनका मकसद क्या है? बच्चों को अडॉप्ट करके ये करते क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग माफिया, या फिर कुछ ऐसा जिसका अभी हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे? सर, इन 4 एडॉप्टेड बच्चों में से इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये उमेश है। 3 महीने पहले दशमनाथ पुलिस को इस बच्चे की लाश मिली थी और इसके ब्लड में भी उसी तरह के सेडेटिव मिले सर, जिस तरह के सेडेटिव चुनमुन, अनमोल और अनमोल के साथ जिस बच्चे की लाश मिली थी। सर, चुनमुन को किडनैप करने वाले दूसरे आदमी की पहचान का पता चल गया है। सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है, इनामुल शेख। लूट, फरेब, डकैती, कई मामले दर्ज हैं इसके। इस इनामुल की तस्वीर सब जगह सर्कुलेट करवा। ये इनामुल और इसका साथी मुझे किसी भी सूरत में लॉकअप में चाहिए। सर, शंकर, अबे लड़की किधर है? अरे मैं बाथरूम गया था। अबे भाग के चल, चल चल। जाएंगे। तू नहीं आओगे चुपचाप? मैं उनको दूसरी तरफ ले जाती हूँ। एक चुरो, एक रुक, पकड़, रुक, पकड़, रुक। अबे दूसरी लड़की का? वहाँ जाते हैं। आप जाइए बच्चों। वो लड़की नहीं मिली उधर। क्या? तो जब चुनमुन की फोटो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी तो झारखंड चायबासा के थाना इंचार्ज ने हमें कांटेक्ट किया था, क्योंकि चुनमुन की शक्ल आसिमा नाम की एक लड़की से हूबहू मिलती है और उनके थाने में आसिमा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी सर। और सर, तकरीबन 1.5 साल पहले आसिमा के साथ उसकी बड़ी बहन शगुफ्ता भी मिसिंग हुई थी। ये शगुफ्ता की फोटो। हेलो, अगर इस बच्ची का असली नाम आसिमा है तो ये अपना नाम चुनमुन, मिनी, ये सब क्यों बता रही थी? ये जानना जरूरी है कि आखिर 1.5 साल पहले इस बच्चे के साथ क्या हुआ था, उसकी बहन शगुफ्ता वो कहाँ गायब है? आसिमा, आसिमा कहाँ चली गई? आसिमा, क्या पकड़ते हैं? देखो इसमें पानी में ऐसा मिला हो ना, क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ?
अरे हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस वो बस मेरी बहन से दूर रहे। अगर आज की बात उसे छुआ ना, कितनी बार मना किया यहाँ बताएगा, एक बार तो समझ नहीं आता है। दीदी आज मेरा बर्थडे और राकेश जी जो दो दिन से घर पे नहीं आए, कहाँ है वो? बेटा वो आ जाएंगे। अच्छा रुक, मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, स्कूल में ना बच्चों को टॉफी बांट देना और जो भी पैसे बचेंगे उससे जो खरीदना होगा खरीद लेना। ये ले। उस पेटी में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जब भी जरूरत होगी ले लेना, क्या पता तुझे कब जरूरत पड़ जाए। अब हमेशा मेरे भरोसे थोड़ी रहेगी। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। सेडेटिव्स दिए गए थे, इसलिए बेहोशी की हालत में है। बच्ची जैसी होश में आती मुझे अपडेट करो। ये बच्ची हमें क्रिमिनल्स की कुलीड दे सकती है। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्ची से जानना जरूरी है। सर हम तो 1.5 साल से अपनी बच्ची को देखने के लिए तरस रहे थे। हमारी बेटी आसमा अगर आपको मिल गई है तो शगुप्ता कहाँ है? देखिए अभी हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते जो बच्ची हमें मिली है वो आसिमा ही है या नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए ये बच्ची अपना नाम अलग अलग बता रही है। पहले इसने अपना नाम मिनी बताया, फिर अपना नाम चुनमन बताया। ये लड़के की तस्वीर है, आप देखिए। ये तो हमारी बेटी आसिमा ही है सर, कहाँ है ये? फिलहाल ये हॉस्पिटल में है। इसे काफी लंबे अरसे से नशीली दवाइयाँ दी जा रही हैं। नशीली दवाई? 1.5 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था आप हमें तफसील से बताएंगे? निगाह करेगी इस उम्र में और अभी उससे राकेश से? आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। मैं सब जानता हूं। मैं अंदर चल। पापा छोड़ो मुझे। अंदर चल। पापा छोड़ो। अंदर चल। पापा दरवाजा खोल दे। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों किसी काम से बाहर गए और शाम को जब घर वापस लौटे तो हमने देखा कि वो दोनों घर पर नहीं थे। सर हम दोनों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। सर हमें आसिमा तक ले चले। सर मुझसे जानना चाहते हैं कि शगुफ्ता का अंकल एक फ्रूट दे दो ना, दो दिन से भूखी हूँ। चला मत जा, वो अंकल पकड़ लेंगे। और मैंने तेरी मदद की और तू मुझे ही धक्का दे रही है। सॉरी। इंग्लिश मीडियम वाली है तो फिर चोरी क्यों की? भूख लगी थी। तुझे घर पे कोई खाना नहीं देता? मेरा कोई नहीं है, ना ही घर है। एक काम करेगी, वहाँ पे तुझे खाना भी मिलेगा और रहने को भी। ये अनमोल तुम्हें बहुत सही जगह लाया है, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, आराम से रहना। काम क्या करना होगा? जूली, रेबा, सुनो आज से लड़की तुम लोग के साथ रहेगी, ठीक है? खाना खा लो। अंकल ने बताया नहीं काम क्या करना होगा। अरे कुछ नहीं करना, बस कुछ टिफिन के डब्बे इधर उधर करने, हो गया काम। घबरा मत बेटा, हम सब ठीक कर देंगे। शगुफ्ता कहाँ है? आसिमा
एक बच्ची जो 1.5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही थी, वो अपने माता पिता के साए से भी दूर भाग रही थी। वो सिर्फ उनसे नाराज थी या फिर उसके मन में कोई नफरत भरी हुई थी? एक 14 साल की बच्ची क्यों अपने माता पिता को गंदा कह रही थी? इसका राज पता करने के लिए चाइल्ड काउंसलर की मदद ली गई। असीमा और चुनमुन का रवैया जितना रहस्यमय था, उतना ही रहस्यमय था उसकी बहन शगुफ्ता और उसके जीजा राकेश का गायब होना। अनमोल और एक बच्ची की हत्या का राज अब भी ज्यों का त्यों था। शंकर और इनामुल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन असीमा और चुनमुन की कहानी अब अदालत तक पहुंच चुकी थी, जहां कई चौंका देने वाले पहलुओं की सुनवाई होने जा रही थी। माय लॉर्ड, जो माँ बाप अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए काफी समय से तरस रहे हैं, उनमें से एक बेटी उन्हें 1.5 साल के बाद मिलती है और वो भी उनकी नहीं हो पाती। अपने माँ बाप को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया है। वो बच्ची तो माइनर है सर, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसकी कस्टडी उसके माँ बाप को दी जाए और इस केस ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, बच्ची के पेरेंट्स को उसकी कस्टडी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्ची जो भी कह रही है बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। मैं ये कहना चाहूंगा मिलॉर्ड कि बच्ची को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। देखो, आप हम सबको बताइए कि आपके पापा यूसुफ अहमद वो कैसे हैं? तो आपने देखा कि आपके पापा आपकी बड़ी बहन के साथ गलत कर रहे थे? फिर क्या हुआ? हम दोनों तो सिर्फ गेम खेल रहे थे, है ना? आ, तुझे भी अच्छे लगते हैं ना गेम खेलने, है ना? डर मत, आ जा। हम दोनों भी ना साथ में गेम खेलेंगे, ठीक है? डर मत, हाँ, बैठ। नहीं। दूर हट। नहीं। फिर उस दिन के बाद फिर से आपके पापा ने आपके साथ ये जो हो रहा था, इसके बारे में आपने अपनी मम्मी को बताया था? पापा, वो मम्मी की जान से मेरे को बचा लो, माँ। तो बेटा, इसीलिए आप और आपकी बहन उस घर से भाग गए थे, है ना? ऑब्जेक्शन मैडम, प्रोसिक्यूटर जबरदस्ती गवाह से अपना बयान बुलवा रहे हैं। सस्टेन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशिमा से कुछ पूछना चाहती हूँ। ओके। बेटा, आपकी बड़ी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ चले गई। और राकेश? सर, उस लड़के राकेश ने हमारी दोनों बेटियों को हमसे दूर कर दिया, वरना आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई माँ अपनी बच्चियों के साथ ऐसा कर सकती है। माय लॉर्ड, ये उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। उस बच्ची का ये कहना है कि लगातार उसके साथ रेप किया गया है, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ रेप हुआ। इस घटना को काफी समय बीत चुका है महाराज, और कई बार समय गुजर जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हो पाती, और बच्ची ने कोर्ट के सामने बिना किसी दबाव के एक कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट के सामने अपना बयान दर्ज किया। माय लॉर्ड, इस बच्ची की बयान की पुष्टि करने वाली उसकी बड़ी बहन अब भी मिसिंग है, और पुलिस की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इस बच्ची को ब्लड बैंक मार्केटिंग द्वारा लगातार नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और पुलिस की कस्टडी में आने के बावजूद भी उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ऐसे में उस लड़की के बयान को ऑथेंटिक ठहराना कोर्ट की भूल होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राकेश या फिर ब्लड बैंक मार्केटिंग वाला इनामुल और उसके साथी ये सब मिलकर इस बच्ची को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और शायद इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही है। That's all my. रेप एलिगेशन के साथ साथ इस केस का बहुत बड़ा पहलू ब्लड ब्लैक मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है, जिसका पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोर्ट पुलिस को आदेश करती है कि वो इनामुल और राकेश को जल्द से जल्द अरेस्ट करे, और बाकी केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए शगुफ्ता और राकेश का मिलना बेहद जरूरी है। कोर्ट राकेश और शगुफ्ता को ढूंढने का भी ऑर्डर देती है। अगली सुनवाई तक कोर्ट एडजर्न किया जाता है। सर, क्या लगता है आपको?
राकेश इस केस का सबसे बड़ा मोहरा है। अब अगर गायब है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी, लेकिन जब तक शगुफ्ता मिल नहीं जाती ये साबित करना वाकई मुश्किल होगा कि यूसुफ शगुफ्ता और आसिमा दोनों का रेप करता था। और अगर सर खबरियों से इनामुल और शंकर के अड्डे की टिप मिली है, वो दोनों अशोक नगर एरिया में है। तुम लोगों ने चुनमुन को किडनैप किया था ना, करते क्या तुम लोग चुनमुन और ऐसे छोटे बच्चों के साथ तुम लोग करते क्या? चुनमुन की बहन का है। और कौन बहन साहब, हम किसी बहन को नहीं जानते साहब। क्या तुम इन दोनों को जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। चुनमुन हमारे साथ पिछले 6 महीनों से थी, पर उसने हमें कभी बताया नहीं कि उसकी कोई बहन भी है। तुम जिसको चुनमुन कह रही हो ना, उसका असली नाम आसिमा है, क्या तुम जानती हो उस बात को? नहीं सर, चुनमुन ने तो कभी नहीं बताया, उसको तो अनमोल लेकर आया था। अनमोल? ये अनमोल जी, तुम इसको जानती हो क्या? ये सेता थी। तुम ही लोग बच्चों को फर्जी डॉक्यूमेंट से अडॉप्ट कर रहे थे और फिर उन्हें सेडेटिव देते थे, करते क्या थे तुम लोग बच्चों के साथ? हम सबका खून निकाला जाता। बच्चों का खून क्यों? सर शंकर और इनामुल बोलते थे बच्चों के खून से बूढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं। कब से चल रहा था ये सब? काफी टाइम से ये धंधा कर रहे थे साहब। तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन शामिल है? सब कुछ हम ही संभालते हैं, और कभी अगर जरूरत लगती है तो कुछ डॉक्टर्स को बुलाते। चुनमन के पास हमें एक टिफिन मिला था जिसमें बहुत सारे नोटों की गड्डियां थी और उन गड्डियों पे FP, GP, RK ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ था, वो सब क्या है? सब जिसको भी खून चढ़ता था उसका पेमेंट होता था। कोई हम पे शक ना करे इसलिए हम लोग बच्चों को बेचते थे पेमेंट लाने के लिए। नोटों की गड्डी पे जो एक शब्द होता था उसमें क्लाइंट का पहला नाम और सरनेम उसका अक्षर लिखते। अनमोल और जेबा को क्यों मारा? क्लाइंट का पैसा लेके भाग रहे थे सारे। चंद पैसों के लिए तुम लोग मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलते सर, शगुफ्ता और राकेश के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन राकेश का एक दोस्त विशाल, उसके बारे में एक खबर मिली है। कैसी खबर? सर विशाल एक गरीब परिवार से है, लेकिन राकेश के गायब होने के कुछ दिनों बाद इसके अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए जमा किए गए, वो भी यूसुफ के अकाउंट। बोल क्या गेम है तेरा? शगुफ्ता राकेश कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो 10 महीने पहले आखिरी बार देखा था राकेश को। उसी दौरान यूसुफ ने तेरे अकाउंट में रुपए डलवाए थे, क्यों? शाह गुप्ता आसिमा और राकेश के शहर छोड़ने के बाद यूसुफ अंकल उन्हें ढूंढते हुए मेरे घर आए थे और मुझे धमकी भी दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ही राकेश का सबसे करीबी दोस्त हूँ। पर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि जब भी तुम मेरा केस कांटेक्ट करे तो तुम मुझे बताना। फिर 10 महीने पहले उस दिन जब राकेश का कॉल आया तो मुझे पैसों का लालच आ गया। फिर मैंने ये सब यूसुफ अंकल को कॉल करके राकेश के बारे में सब बता दिया। राकेश आजा आजा। यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि शगुफ्ता मुझे धोखा देगी, वो एक न्यूड आर्टिस्ट। बोल शगुफ्ता रसीमा का है? उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता साहब। विशाल ने हमें तुम्हारे शौहर यूसुफ के बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी, तय कर लो सच बोलना या झूठ। लेकिन अगर झूठ बोला तो जितनी सजा तुम्हारे शौहर यूसुफ को होगी उतनी ही तुम्हें भी होगी। तो सोच लो अदालत में झूठ बोलोगे या सच बोलोगे। सर मैं मुंबई से पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने एक छोटे से कस्बे में यूसुफ के पल्ले मुझे बांध दिया। मैं हमेशा से एक ऊंची लाइफस्टाइल जीना चाहती थी और इधर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मैंने कभी भी उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब शगुफ्ता ने मुझे बताया कि यूसुफ उसके साथ क्या करता है तो मेरे होश उड़ गए। यूसुफ
इतना नीचे गिर गए तुम, अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे कैसे बाप हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? ए, ज्यादा ज्ञान मत दे। और वैसे भी तुम तो मेरे पास साथी हो नहीं, और बाहर कितने मर्दों के साथ संबंध है ना, सब मालूम है मुझे। जब मैं तुझे नहीं रोकता तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैंने यूसुफ के साथ सौदा कर लिया और अपनी बेटी की तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। तो शगुफ्ता और राकेश के साथ यूसुफ ने क्या किया, ये तो जानती होंगी ना आप? विशाल की मदद से यूसुफ ने राकेश का पता लगवाया और फिर राकेश को बहुत मारा। राकेश ने शगुफ्ता के बारे में बताया और उसके बाद यूसुफ लखनऊ पहुंचे और वहां से पकड़कर शगुफ्ता को चाय बासा ले आए। तो किस्मत थी कि मेरी छोटी बेटी वहां नहीं थी, लेकिन शगुफ्ता That's all you're wrong. ये एक ऐसा अपराध है जो एक साल पहले तक किसी के नजर में नहीं आया। अगर 80 उन पैसों के साथ पुलिस को नहीं मिलती तो शायद सालों तक ये ऐसे ही छिपा रहता। वनी, असीमा, अनमोल, सेबा और जूली समेत कई बच्चे जिस अपराध का शिकार हुए उसका पैमाना भी बड़ा था। इस अपराध में कई बड़े नाम आज भी सामने आ रहे हैं। इस अपराध में एक ऐसे मिथ को बिल्ड किया गया जिसने बच्चों के खून से बूढ़ों को लंबे समय तक जवान रखा जा सकता है, जिसे एक ऐसे रैकेट को जन्म दिया जिसमें गरीब और मासूम बच्चों की सेहत को ताक पे रख दिया गया। ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है कि हमारे बच्चे आज मरती हुई इंसानियत में पल रहे हैं, और जब बच्चे अपने करीबियों और अपने माता पिता की हिंसा का शिकार बनते हैं तो उनकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। हमें बच्चों की मासूमियत को बचाना होगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे अंदर का बचपन जिंदा रह पाएगा। हमें बच्चों को एक स्वस्थ और आशावादी जीवन देना होगा, तभी मानवता को बचाया जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।